दोस्तों आज मेरे पास है Redmi का 12 और इसका करेंगे अनबॉक्सिंग और इसका प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि क्या इसमें अच्छा है और क्या इसमें अच्छा नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों बॉक्स में भी काफ़ी गजब का एक रहस्य छिपा हुआ है। मैंने जो है ऑर्डर किया था 4 128 GB, बट उन्होंने जो स्टिकर साट के दिया है 8 GB रैम और 128 GB का जो है स्टोरेज दिया है। ये भी काफी कंफ्यूजन भरा है, तो इसका सेटिंग्स में देखेंगे कि आखिर ये यही भेजा है या फिर दूसरा कोई बड़ी। हमारा फोन इसे साइड में रखते हैं, फिर और देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपको एक सिम इजेक्टर टूल दिख रहा होगा यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद इसमें एक टीक्यू केस दिया गया है जो कि काफी गजब डिजाइन का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा रफ सा डिजाइन दिया गया है। पहले जो है सिंपल सा ट्रांसपेरेंट दिया करता था, बट अभी जो है ये थोड़ा सा रफ डिजाइन दिया है। बाद आ जाता है अपना ये 22.5 वॉट का जो है ये फास्ट चार्जर दिया है, बट इसमें सपोर्ट आपका जो है 18 वॉट ही करेगा और टाइप सी डेटा केबल। काफ़ी जो है ग्लोसी फिनिशिंग जो है पीछे की तरफ यहाँ पे दिया गया है। पीछे आपको ग्लास मिल जाता है, और ये ग्लास कौन सा प्रोटेक्शन के साथ आता है ये क्लियर नहीं है, बट आगे जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। यहाँ पे 3 कैमरे का सेटअप दिया गया है, ऊपर में फ्लैश लाइट है और नीचे में देखेंगे आपका थर्ड कैमरा के नीचे बिल्कुल AI लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए Redmi लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले फ़ोन का ओवरव्यू देखते हैं। तो आपको राइट साइड में जो है आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। बॉटम की तरफ देखिएगा तो आपको टाइप सी का एक चार्जर और जो है स्पीकर भी यहाँ पे माइक मिल जाता है। लेफ्ट में आपको सिम ट्रे मिल जाता है, तो चलिए सिम ट्रे भी देख लेते हैं किस तरह का दिया गया है। ये आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है जिसमें कि आप 2 सिम या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब ऊपर की तरफ आप देखिएगा तो एक 3.5 mm जैक मिल जाता है जिससे कि आप हेडफोन कनेक्ट कर सकें, और आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है। तो इसमें आपको सेकेंडरी माइक नहीं दिया गया है, अब पता नहीं क्यों नहीं दिया है। और चलिए फिर आगे आपका डिस्प्ले का बात करते हैं। तो डिस्प्ले जो है आपको फुल फ्रेम मिल जाता है 6.79 का, काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले, और जिसमें रेजोल्यूशन जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है। फुल्ली फुल HD प्लस इसमें डिस्प्ले है, जिस जो कि आपका हर एक एंगल से काफ़ी बेहतरीन लगता है। बट प्रोसेसर के साथ जो है इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि जो प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है उसके हिसाब से ये डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है, जिससे बैटरी जो है ड्रेनेज काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आपको हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा बैटरी का इशू इसमें रहे, थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिले। कैमरा का बात करें तो आपको मेन जो कैमरा है वो 50 MP का मिल जाता है, वाइड एंगल 8 MP का मिल जाता है, और 2 MP का पर डेप्थ सेंस कैमरा मिलता है जिससे कि आप जो है पोर्ट्रेट फोटो काफ़ी बेहतरीन इससे निकाल पाएंगे। तो चलिए कुछ फोटो सैंपल लगाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, और थोड़ा सा वीडियो भी हम करके देखते हैं। वीडियो जो है हम चलते हुए कर रहे हैं जिससे कि EIS का पता चल सके कि थोड़ा सा भी EIS वर्क करता है या फिर नहीं, और जो रिकॉर्डिंग है वो आप इसी के माइक से सुन रहे हैं, तो हो सकता है इससे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि माइक में जो है किस तरह से वॉल्यूम जो है कैप्चर करता है। मैक्सिमम 6x तक इसमें जूम जो है दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो मैंने इसका कैमरा जो है ओपन कर लिया है, और सारे सेटिंग्स के बारे में हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें कैमरा में आपको क्या सब मिल जाता है। तो अभी हम फोटो मोड में है, देखिए मैक्सिमम आप 5x जूम कर सकते हैं, जो कि इस तरह से जूम लिया है। 1x में देखिए यहाँ पे है, अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक व्हील मिल जाएगा आपको जिससे कि आप इसे जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। देखिए 10x तक हम जूम कर दिए उस मकान, और फिर हम बस आपको देखिए 0.5 पे इतना आता है, 1x पे जो है इस तरह का आएगा। और जो कैमरा क्वालिटी है वो डिसेंट है, ज़्यादा बेहतर भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो पोर्ट्रेट में आ जाते हैं, पोर्ट्रेट में आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट जो है एज डेडिकेशन में थोड़ा सा इसे प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहा है, आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। बाकी जो है इसका देखते हैं एक फ़ोटो खींच के कि उसके बाद जो है इसका जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ऑप्टिमाइज कर पाता है या फिर नहीं। तो देखिए अभी काफ़ी समय लिया, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे एज डेडिकेशन जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ज़्यादा सुधार दिया है, ये देखिए इस तरह से ये वर्क किया है। और एज एडिटिंग टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जा रहा है, उसके बाद जो है वीडियो का ऑप्शन, तो वीडियो में जो है आप 1080p 30fps मैक्सिमम आप कर पाएंगे, इससे ज़्यादा जो है दो ही ऑप्शन है इसमें, 720 का और 1080p का, बस यही दो ऑप्शन है, आप इसी दो में से कोई एक का रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। फोटोज़ में अगर आप देखें तो फोटोज़ में एक ही ऑप्शन था, और उसके बाद पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट के बाद नाइट है, नाइट के बाद जो है एक प्रॉपर 50mm का जो है अलग से ये दे दिया है कि इससे आप 50mm में फ़ोटो ले पाएंगे।
तो चलिए 50mm का फोटो भी खींच लेते हैं और हम जो है इसमें लगा देंगे। आप जो है हाई रेजोल्यूशन करके वीडियो को देख सकते हैं कि फोटो किस तरह से आया है। आप स्टोरेज देखेंगे तो 128GB स्टोरेज में आपको 27.3GB जो है ये पहले से ऑक्यूपाई किया हुआ है। और बाकी के स्पेक्स में आप अगर आप जाएंगे तो देखिए 4GB प्लस 2GB का जो है इसमें रैम दिया गया, यानी कि 2GB तक रैम आप एक्सपेंड कर सकते हैं। वही बॉक्स पे जो लिखा गया था वो याद होगा आपका, 8GB रैम और 128GB का जो है वेरिएंट लिखा गया था, जो कि गलत तरीके से स्टिकर लगाया गया है। ये जो है 4GB का ही फोन है। आपको MIUI का डायलर मिल जाता है जिससे कि आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आगे पता भी नहीं चलेगा। वही गूगल डायलर में आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग करते ही आगे आपको मैसेज मिल जाता है कि आपका कॉल जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें MediaTek का हीलियो G88 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि मैक्स 2.0GHz का ये स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें आप हार्ड गेमिंग नहीं कर पाइएगा बट आप नॉर्मली जो है गेम खेल सकते हैं। ज़्यादा गेम खेलने के लिए ये फ़ोन नहीं बनाया गया, ये एक मिड रेंजर फ़ोन है। लुक वाइज ये फ़ोन काफ़ी बेहतर लगता है। ये जो है थोड़ा बहुत आपका एप्पल का कॉपी किया गया है और इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा फ़ोन आपको और कोई नहीं मिलने वाला है। बट आप देखेंगे तो ये इसमें थोड़ा सा एक फ़ोन क्या है कि इसे आपको 4G मिलता है। अगर ये 5G होता तो आई थिंक कि ये बेस्ट हो जाता, नंबर वन हो जाता इस प्राइस रेंज में, जो कि 10,000 में आपको ये मिल जाता है, 9,999 रुपये में। 8MP सेल्फी कैमरा आता है जो कि डिसेंट है, ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है, इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेहतरीन दिया गया है। 53 रेटिंग है जिससे कि आप डस्ट से ये रेजिस्टेंट खुद कर सकता है और थोड़े बहुत पानी के छींटों से उसे कुछ नहीं होने वाला है, बट आप पानी में डीप इसे नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए आगे भी बनाते रहें। धन्यवाद।